नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, देखो उसको सीओ। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो अगर सिंगल एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रल, तो ये आपका कार्बन सिंगल इसके बीच में रखें, ऑक्सीजन कितना है टू, इस कार्बन के दोनों तरफ रख दो, हमने ऐसे रख दिया, आप ऊपर नीचे भी रख सकते कैसे भी रख सकते हो। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो कितना आएगा 2N4। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 2N6। कार्बन के आउटर शेल में 4 है और ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ड्रॉ कर लो कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब यहां कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 2, इस ऑक्सीजन को भी कितना चाहिए 2, लेकिन इस कार्बन को कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के 4। अब ये क्या करेगा, थोड़ा जुगाड़ लगाएगा, क्या करेगा, इसके साथ भी 2 की शेयरिंग कर लेगा, तो इसके पास 4 था, 2 की शेयरिंग करी 6 हो जाएगा, अभी भी इसे 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए, इसके साथ भी शेयरिंग करेगा, यानी दोनों तरफ से शेयरिंग करेगा। इन दैट कंडीशन पहले ऑक्सीजन जिसकी रिक्वायरमेंट कम होती है उसकी रिक्वायरमेंट पहले कंप्लीट करते हैं, तो इसे 2 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में लाएगा और ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीच में लाएगा, इसके पास बचे कितने 4, इसके इसका ऑक्टेट जो हो गया वो कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसके पास कितने हैं, 4 था, 2 की शेयरिंग कर ली, यानी 2 बचा, हम ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पे देखो समझाने के लिए केवल, तो यहाँ पे कितने हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास 2, 2, 4, 2, 6, अभी भी इसे 2 चाहिए और इसे भी कितना चाहिए 2 चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये 2 बीच में लाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में लाएगा, 1, 2 इधर ये ड्रॉ कर दो और यहाँ पे इसके पास 2 लोन पे बच, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चेक कर लो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गया। अब इस कार्बन का है तो कितने, ये जितने जिस यहाँ भी शेयरिंग थी यहाँ भी शेयरिंग, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इस कार्बन का अगर हम आउटर सेल में देखने कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो कार्बन लिखो ऑक्सीजन दोनों तरफ, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो 2, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ठीक है। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो 2, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यानी बॉन्ड कैसा बन गया डबल, तो दैट इज अ नेक्स्ट एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज करो हमने लिया अमोनिया NS, सिंगल एलिमेंट कौन है नाइट्रोजन है, तो ये आपका सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन। अब 3 हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन के तीनों तरफ रख, एक मैंने यहां रख दिया, 1 हमने यहां पुटअप कर दिया, 1 हमने यहां, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 यानी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 ड्रॉ कर दिया हमने। नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर शेल में अगर देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब चेक करो हाइड्रोजन केवल डुप्लेट कंप्लीट करता है, यानी इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 1 इसे चाहिए, 1 इसे चाहिए, 1 इसे चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन को कितने चाहिए 3 चाहिए, तो क्या करेगा ये नाइट्रोजन, इसके साथ 1 की शेयरिंग कर ले, इसके साथ 1 की शेयरिंग कर ले और इसके साथ 1 की शेयरिंग कर ले, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप इसको यही इरेज करके बना रही हूँ, ऑक्टेट इसका डुप्लीट कंप्लीट हुआ, पहले जिसकी रिक्वायरमेंट कम होती पहले उसको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉप कर लेते, हो गया। अब इस नाइट्रोजन का चेक करो, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 जहां जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वहां से सर्कल बना लो, जहां जहां इसने शेयरिंग की, कंप्लीट हो गया। चेक करो हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, नाइट्रोजन का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कंप्लीट। अब यहाँ पे चेक करना हमें कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे चेक करो इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कितने की शेयरिंग है, 1 की, इधर भी 1 की हुई है और इधर की 1, इधर भी 1 की है, तो बॉन्ड कैसा बनेगा सिंगल, और ये लोन पेयर बनते, ठीक है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। और एग्जांपल देख लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा हम चलो ले लेते हैं C2H5OH। अब मैंने जैसे इसे लिखा वैसे आपको लिखना है, ठीक है। कार्बन कितने हैं यहाँ पे,
टू है, ऑक्सीजन तो हम ऐसा नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जैसे ये लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, टू है, लिख लो। इसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है, अगर हम इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं तो इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक कार्बन के पास थ्री हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास थ्री हाइड्रोजन, तुम ड्रॉप, दूसरे कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन, ड्रॉप। अब देखो इस कार्बन के जस्ट बगल में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखो, उसके बगल में क्या है, ये हमने ऐसे रख लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी शेयरिंग दिखानी। अब सबके इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर सेल में फोर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर सेल में वन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टार बना लेते हैं, फोर फाइव सिक्स, ये हो गया हमारा। अब इसमें देखो, सबसे पहले मैंने बोला था कि पहले चेक कर लो किसे कितने की रिक्वायरमेंट, और सबसे पहले रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होती है जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो, वन वन इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इस कार्बन को फोर चाहिए, इस कार्बन को फोर चाहिए, और इससे टू इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, पहले हम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। देखो ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ शेयरिंग करेंगे, हाइड्रोजन का डुप्लीट कंप्लीट, यहाँ भी सेम कंडीशन कर लो। सबसे पहले आप हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हर जगह से पूरी कर लो, ठीक है, यहां भी पूरी कर लो, सबसे इजी मेथड है, ठीक है। अब हमने इतना काम कर लिया, अब हमें चेक करना है कि किसे अब कितना चाहिए। इस कार्बन का अगर हम चेक करेंगे तो 2 2 4 2 6 1 7, यानी अभी इसे 1 चाहिए। इस कार्बन का चेक करेंगे 2 2 4 2 6, यानी अभी से 2 चाहिए। ऑक्सीजन का चेक करते हैं 2 2 4 2 6 और 1 7 7, इसे 1 चाहिए, इसे 2 चाहिए और इसे 1 चाहिए। अब ये देखो, इसे 1 चाहिए, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ 1 की शेयरिंग कर ले, इसके पास 6 था, 7 हो जाएगा। इसे भी 1 चाहिए, इसे भी 1 चाहिए, यानी ये इसके साथ भी शेयरिंग कर ले। इस कार्बन का पहले रिक्वायरमेंट पूरा कर लो, यहाँ से जो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हमने की है उसको ड्रॉ करो। अब इसका चेक करो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस कार्बन का चेक करो 2 2 4 2 6 1 7, इसे 1 चाहिए, इसे कितना चाहिए, 2 2 4 2 6 1 7, इसे भी 1 चाहिए। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये बीच में लाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये बीच में, जहां जहां इतने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने शेयरिंग किए वो ड्रॉ कर लो, और यहां से आप जहां जहां शेयरिंग हुई है वहीं वहीं से सर्कल आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ तो हमने ये ड्रॉ तो कर लिया, अब हमें बॉन्ड देखना है। तो जैसे लिखा वैसे लिख लो, पहले कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आपने रखा हुआ, जहां जहां आपने पुटअप किया वहां वहां हाइड्रोजन रख लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ चेक करिए कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच कितने की शेयरिंग है, 1 की, सिंगल बॉन्ड बना दो। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने की शेयरिंग है, सिंगल बॉन्ड बना लो, 1 की हुई है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने की शेयरिंग है, 1 की हुई है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच कितने की शेयरिंग हुई है, 1 की हुई है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने की शेयरिंग हुई है, 1 की हुई है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की शेयरिंग 1 हुई है। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने की शेयरिंग है, 1 1 की हुई है, सिंगल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की शेयरिंग कितनी हुई है, 1। तो इस तरीके से हम कोवेलेंट बॉन्ड को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आज तो मैंने ये आपको बता दिया कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे। आपके लिए होमवर्क है जिसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, मैं कंपाउंड का नेम लिख दे रही हूँ, आप ड्रॉ करिएगा। पहला है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड सेकेंड है CH3OH, मेथिल अल्कोहल और मेथेनॉल। इन दोनों कंपाउंड का आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब हो गया बॉन्ड पूरा फॉर्मेशन करके, पहले लुईस डॉट दिखाओ, फिर उसकी शेयरिंग दिखाओ, देन बॉन्ड दिखाओ। ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके आप उसकी इमेज मुझे सेंड करिएगा। और इस टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है